अब एक सिंपल सा काम करें, जो केबल की वायर आ रही होती है, जिसमें हमारी केबल होती है, उसको कहीं से भी काट लें, जहाँ पे दूसरे किसी टीवी में कनेक्शन देना मकसूद हो वहाँ से काट लें, और उस पर आपने जोड़ नहीं लगाना। एक काम करना है, इस तरह से उसको कर लेना जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये जो बारीक बारीक वायर्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, इनको उधेड़ लेना है, बिल्कुल पीछे कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, इनको बिल्कुल पीछे करने के बाद इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है। और ये जो फोम है, इसको आपने चाकू या छुरी की मदद से ऐसे काट लेना है। ये बारीक वायर्स जो हैं वो आपने पीछे कर लेनी है, और ध्यान से इस मेन वायर के साथ टच नहीं होनी चाहिए जो दरमियान में हमें नज़र आ रही हैं, और इस मेन वायर को यहाँ से काट लेना है, जितने हमें ज़रूरत हो रख लेना है। इसी तरह से आप लोगों ने इस दूसरी वायर को भी कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, सिंपली ये जो ऊपर है ना ब्लैक कलर की इसकी चमड़ी, इसे ज़रा नरमी से चाकू चलाना है यहाँ पे, नीचे बारीक वायर्स जो हैं उनको नहीं काट देना, सिंपली इसी को हम इसी तरह ही करेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरह इनको पीछे कर लेना है। और सेम उसी तरह ये बारीक वायर्स ध्यान से याद से पीछे कर लेनी है। और सिंपली इसी तरह आपने एक काम करना है कि कंडक्टर लेना है 7 का या कोई भी, तो उसको आपने इसके ऊपर सिंपली घुमा देना है और आगे से मेन वायर काट देनी है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने एक सेपरेटर लेना है कि जिससे हम एक केबल से एक या एक से ज़्यादा केबल्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, जो हमारी वायर टीवी में लगी है और जो मेन आ रही है पीछे से, तो जो सेपरेटर होता है ना 4-वे का, उसकी ये वाली दरमियान वाली जो पिन है, ये इनपुट पिन होती है। तो आपने यहाँ पे वो केबल लगानी है जो पीछे से आ रही हो, मेन केबल, और आउट कनेक्शन 1, 2, पॉइंट नंबर 2, और ये पॉइंट नंबर 3, और इसके साथ ये पॉइंट नंबर 4, कहीं पे भी लगा देने हैं। अगर 4 टीवी हैं तो इन चारों पॉइंट्स में अलहदा अलहदा लगा देने हैं। उसके बाद ये 2-वे सेपरेटर की अगर बात करें, तो इसकी ये पीछे वाली जो है वो इनपुट होती है, जहाँ पे मेन केबल लगती है, और आगे टीवी जो होते हैं वो पॉइंट नंबर 1, और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2, जहाँ यहाँ पे हम 2 टीवी चला सकते हैं 2-वे सेपरेटर की मदद से। और इसी तरह अगर 3-वे की बात करें, तो 3-वे की जो इनपुट होती है वो भी सिंपली ये ही होती है पीछे वाली, यहाँ पे इनपुट लगाएं और उसके बाद पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। सिंपल सा काम है।